तीन मर्दों के बीच में एक महिला, खैर हो भी सकता है। अगर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में एक महिला हो सकता है तो यहाँ तीन में तो हो ही सकता है। वैसे उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, वो बस नाम से महिला है और ये बस नाम की महिला है। सचिन 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 सचिन। भाई साहब, यहाँ पे कोई सचिन नाम का खिलाड़ी है या नहीं? हेलो, अरे मैं ही सचिन हूँ। माफ करना बेटा, मैं टेनिस नहीं देखता हूँ। अरे टेनिस तो कोई नहीं देखता है, भूपति के लिए सबसे ज्यादा सिंपति तो हम लोग को है। और वो सानिया मिर्जा। आइला, तू उन लोगों में से है जो टेनिस में भी और क्रिकेट में भी खाली फाइन लेग देखता है। ये बता तू है कौन? तू मुझे नहीं पहचानता? बताओ, इतने रिकॉर्ड करने के बाद ये मुझे नहीं पहचानता तो मैं इसको कहां से पहचानूंगा? अरे मैं नेता हूँ। आइला, मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें भारत रत्न अवार्ड दूं बेटा। आइला, पहली बार ये नेता लोग किसी को कुछ अच्छा दे रहे हैं। वरना आज तक तुम लोगों ने देश को गरीबी, भूख, बीमारी और महंगाई के अलावा और दिया ही क्या है? रुक जा, भ्रष्टाचार भी दिया है। आइला, हमारा बस चले तो हम तो पूरा पूरा का भारत दे दे किसी को। तुम हमें जानते नहीं हो, हम जिन की तरह है, जिन की तरह। अबे तू जिन की तरह है के जिन्ना की तरह है के भारत किसी को भी दे देगा? तेरे बाप का देश है क्या? इधर बजाओ तालियां। अरे धर्म से बढ़कर कोई चीज ना होती है, मैं धर्म की कसम खाता हूँ, अब मैं चलता हूँ बेटा, बजा दो। वैसे आप सब लोग तो जानते हैं कि मुझे अवार्ड अवार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस आप सबका प्यार चाहता हूँ, बस प्यार मिल जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हेलो। हाँ यार, परसों ऐड किया था उसकी पेमेंट नहीं आई अब तक यार। बताओ पेमेंट भेज दो वरना बाहर कामली खड़ा मैं उसको भेज रहा हूँ तेरे पास। बोल रहा था कुछ काम है तो बुला लेना। हेलो, हाय, हाउ आर यू, कौन है तू? ओ हेलो हेलो हेलो, ए हेलो, कौन है तू? ए अभी मेरे हाथ में बोतल है, शराबी का गाना बजाया है और मैं इतने को पुजारी लग रहा हूँ। अबे मैं शराबी हूँ, शराबी, पूछते कौन है तू? क्या भाई साहब पूछना पड़ता है? कहने के लिए तो हर एपिसोड में राजीव भी माइक लेके एंट्री करता है, लेकिन उसके बाद कॉमेडी करता कहाँ है? डेंजर जोन में। क्या? तो अरे क्या कर रहा है यार, इतने लोगों के सामने शराब पीना अच्छी बात नहीं है। ए, जब तू लाखों लोगों के सामने 200 रन बना सकता है तो मैं 100 लोग के सामने शराब नहीं पी सकता हूँ। अबे ये क्या लॉजिक है, बात समझ में नहीं आई यार। नशे में हूँ, कुछ भी बोलता हूँ। तू पिएगा क्या? ए, मैं ऐसे नहीं पीता। तो तेरे को क्या बूस्ट डाल के दू? बूस्ट इट सीक्रेट योर एनर्जी। आइला हो गया है। ओ, ये भारत रत्न अवार्ड है मुझे मिला। भारत रत्न अवार्ड? या मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स। जो चीज मुझे मिलने वाली थी वो तुझे मिल गई। आइला तेरे को काई को रे, तेरे को काई को, तूने क्या किया इतना बड़ा अवार्ड मिलने के लिए बिना बात के तेरे को अवार्ड? ए, जब बिना बात के अर्जुन रामपाल को नेशनल अवार्ड मिल सकता है। क्या बात कर रहा है? यही रिएक्शन था मेरा जब मेरे को मालूम पड़ा। क्या आइला, और सैफ अली खान को पद्मश्री मिल सकता है? क्या बात कर रहा है? तो मेरे को तनुश्री तो दो। मेरा बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। थैंक्स यार। तुम्हारी तरह क्रिकेटर बनेगा। या। लेकिन अफसोस, अब वो नहीं बन सकता। क्यों? उसका हाइट बढ़ गया है। सोचता हूँ कि मैं उसको अभी ओलंपिक में दौड़ाऊँ। ओह, यू मीन अच्छा दौड़ता है? सामने अगर पुलिस वाला आ जाए ना तो दौड़ता है। कहीं को? चोर है ना, टैलेंटेड है। अच्छा वो आज इधर नहीं है। ओ, लगता है कहीं बाहर गया है। बाहर नहीं, अंदर है, अंदर। आइला। अंदर से याद है उसके जमानत देने का था मेरे को।
अरे तो तू क्यों जा रहा है, बाहर काम लिया ना? बाहर काम लिया मेरे को, बोलते अगर कुछ काम है तो अंदर बुलाना। कैसे कैसे लोग आके मिलके जा रहे हैं यार, मेरी भी लाइफ अजीब है। आज तक जो भी चीज मिली है बड़ी मिली है, ये भारत रत्न की ट्रॉफी मिली 6 फीट बड़ी, आप सबका प्यार, आप सबकी दुआएं मिली वो भी आसमान से बड़ी। என்ன சொல்றது அப்படி கப்பலா அப்படி கிடைக்கலாம், என்ன ஊடிக்கிறது கப்பலா பத்து கிடைக்கலாம். मैं समझाता हूँ। अरे अजीब आदमी है यार, पहले इसका ऑडियो समझ में नहीं आ रहा था, अब इसका वीडियो समझ में नहीं आ रहा। hey, मैंने सुना तूने 200 का रिकॉर्ड तोड़ा है। या दैट्स राइट या। इसमें कौन सा बड़ा बात है? या yeah. तूने 200 का रिकॉर्ड तोड़ा या yeah. मैं 500 का सीढ़ी तोड़ सकता है। तुम एक बॉल में कितना रन बना सकते? सर आई कैन हिट इट फॉर 6 स्ट्रेट अवे। एक बॉल में 6 रन, मैं एक बॉल में 24 रन बना सकते। आइला ओ सर, इडली डोसा नहीं बनाने का है, रन बनाने का है रन। मैं कुछ भी कर सकता है, देख लेगा तुमको देखने का है। सोचो ये पिच है। ओके okay. मैं पिच के ऊपर खड़ा है। ओके okay. हाथ में मेरी बैट नहीं, बैट नीचे पड़ा है। आइला नहीं पाइला, ओ पाइला। पाकिस्तान ने बॉलिंग किया, बॉल निकल चुका है आइला, लेकिन सबसे पहले मैं गॉगल पहनेगा। सर बॉल आ रहा है। अभी मैं मफलर पहनेगा। सर बॉल आ रहा है। अभी मैं सिगरेट पिएगा। सर बॉल नजदीक आ गया। आएगा रुकेगा, बॉल रुक। बॉल रुक गया। एक मिनट सिगरेट बुझाने दे। सर बॉल तो अभी भी रुका है। मैंने बॉल को देखा, बॉल ने मेरे को देखा, बॉल के दिल में धक धक। सर मेरा भी। अब मैं बैट उठाऊंगा नीचे से। यस उठाओ। आई ला अब मैं इस बैट से बॉल को मारूंगा। सर सर शॉट का टी टाइम के बाद मारेगा। hey, मैं अभी शॉट मारेगा देख। ओके okay. बॉल के चार टुकड़े चारों बाउंड्री के पार। मैं क्रिकेट खेलेगी क्या तू मेरे साउथ की फिल्म में काम करेगी? नहीं नहीं किसी और को देख लो। किसी और को? या ओ बाहर कामली खड़ा है। उसने बोला मेरे लिए कुछ काम हो तो बोलना, अंदर बुलाना। अरे कामली आते VIP अजीब है यार, मैं एक्ट खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार अलग अलग कैरेक्टर बन के आ रहा है। अबे येड़े अभी क्या 11 कैरेक्टर लेके आएगा, इधर भारत की क्रिकेट टीम बनाएगा। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे भाई हेलो 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 भाई करे भाई करे। हाँ मेरे भाई मुबारक हो। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुबारक हो। मेरा मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशन।
तुमने 2 सुरन बनाए हैं, मैंने सुना। सर आप अगर अपना हाथ मुंह से हटा लो ना तो आप सुनने के साथ साथ देख भी सकोगे। दो सुरन तुमने क्या बना लिए? लोग तुम्हें अवार्ड पे अवार्ड दे रहे हैं। मैंने कई देशभक्ति फिल्में बनाई लेकिन आज तक किसी ने मुझे अवार्ड नहीं दिया। आइला सर आप तो इमोशनल हो रहे हैं। होने दो, आज मैं पूरा इमोशनल होऊंगा। कई लोगों को मैंने चांस दिया है, भारत को मैंने आगे लाया है और मैं भारत के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं इमोशनल और तुम क्या कर रहे हो? सर मैं आपके इमोशन के साथ खेल रहा हूँ। क्या कोई ऐसा है जो मेरे दिल की आवाज सुन सके? सर बाहर गामली खड़ा है। सर मेरे को बोल रहा था कुछ काम है तो बुला लेना, उसको बुलाओ। नहीं उसकी कोई नहीं सुनता, वो मेरी क्या सुनेगा? काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ भी बोलो बॉस, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। दिल से विश किया था कि पूरा इंडिया आज इधर आके मुझे बधाई दे, पूरा भारत मेरे साथ हो, और ये तो वाकई पूरा का पूरा भारत आ गया था मुझे बधाई देने के लिए। इस आदमी के बारे में परेश रावल साहब ने सबसे अच्छा कहा है, भारत माता इसको। अगला मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को मालूम है ये केस करता है। भारत कुमार गया? हाँ अभी अभी गए। क्यों? थैंक गॉड, अगर मुझे देख लेता तो मेरे पे 2-4 फिल्में और बना देता। आइला एक वो कलाकार जो सबसे मुंह छिपाता है और मैं हूँ जो उससे मुंह छिपाती हूँ। लेकिन आप है कौन? मैं भारत माता। ओ, आई आई तुम ही, नमस्कार कर दो। आई नमस्कार। हजारों साल पहले जब मुझे वरदान मिला कि मुझे भारत माता बनना है तो मैं बहुत खुश हुई। कैगो? क्योंकि मुझे पता था इसी धरती पे सचिन तेंदुलकर नामक बालक पैदा होगा जो मेरा नाम रोशन करेगा। इस देश ने मुझे क्या नहीं दिया है, इस देश ने मुझे गांधी दिया है, नेहरू दिया है, वल्लभ भाई पटेल दिया है और अमिताभ बच्चन दिया है, लता मंगेशकर दिए और सचिन तेंदुलकर दिया है। कॉमेडी सर्कस। गलतियां सबसे होती है बेटा। शटर डाउन करो। अरे आई काय बोलती है तू, आप शटर डाउन क्यों करेंगी? तो कौन करेगा? अरे बाहर काम लिया ना, बोल रहा था कुछ काम नहीं करेगा। ये अभिमान चल शटर डाउन कर, चल ये शटर डाउन। फैंटास्टिक। आइए जानते हैं सुमंस और शेट्टी से के पूरंस के एक लौते सिपाही कैसे लगे आज मैदान में, उनकी बैटिंग कैसी थी? अब तो लगता है कि अर्चना को भी जहर देना पड़ेगा। ये तीनों तो मर गए, आप लोग मेरे साथ चलो। आई थिंक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, द फैक्ट दैट एवरीबॉडी रोज टू योर परफॉर्मेंस, द स्टैंडिंग ओवेशन दैट यू गॉट, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी डिलाइटफुल, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, ब्रेस्ट टेकिंग परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ कि सचिन के पास जो टैलेंट है वो शायद किसी में नहीं है, और तुम लोगों के पास जो टैलेंट है वो भी और किसी के पास नहीं है। यू आर जस्ट वन ऑफ अ काइंड। थैंक यू सर। रोहित, सपनेल और VIP, मतलब जब से मैं आप लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ, ऑब्वियसली पहले भी मैंने देखा है आप लोगों को एक्ट करते हुए, तो इस एक्ट से पहले तक मैं आप लोगों को पसंद करता था कि हाँ ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। आज इस एक्ट के बाद से मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ। अर्चना, अर्चना माता क्या कहेंगे आप? जो शेखर और रोहित ने कहा, ऑफ कोर्स आई एम एब्सोल्युटली विद देम। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जैसे सचिन हैं, उनको बहुत सम्मान और सब कुछ और नाम वगैरह मिलता है, ऐसे हमारे कुछ अनसंग हीरोज हैं जैसे कि हमारी क्रिएटिव टीम। आई थिंक दे डिजर्व द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। No doubt. And my hippo for the first time goes to the creative team. I think they deserve it. Hippo for the creative team. Arshad.
आपने मेरी जिंदगी में एक अजीब सी मुसीबत डाल दी। आज के बाद मैं कामली का नाम जब सुनूंगा मुझे हंसी आ जाएगी। मतलब आपने सत्यानाश कर दिया। बट रियली यार सुपर, तुम कितने सारे रोल करते हो यार, कमाल करते तुम। अब बारी है पूरंस के पॉइंट्स की। बहुत भारी सस्पेंस है मेरे भाई। वंडर व्हाट इट कैन बी। बहुत भारी है। मुझे थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम्स लगी टेक्निकली, तो आई गिव यू अ 5। मैं आपके इमोशन से खेल रहा हूँ। ऑब्वियसली इट्स अ 10। 10 पॉइंट्स अगेन, फुल पॉइंट्स।